वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहाँ पे हम लोग UGC नेट पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर वन में यूनिट 10, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 10 को, और यूनिट 10 जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम है, यूनिट 10 हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यूनिट 10 में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन, वो है भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ, मॉडर्न एजुकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, उन्हीं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है आज, हंटर कमीशन, जिसे भारत का प्रथम शिक्षा आयोग माना जाता है। शिक्षा के संबंध में भारत का पहला कोई आयोग गठन हुआ था, वो था हंटर आयोग यानी हंटर कमीशन, जो कि 1882 में गठित हुआ था, भारत का पहला शिक्षा आयोग। अब देखते हैं इसकी नियुक्ति का क्या कारण था। हंटर आयोग की नियुक्ति का कारण था कि 1854 में हम लोग जानते हैं उट्स डिस्पैच आया था, जिसकी क्लासेस हो चुकी है, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 1854 में एक आयोग, एक घोषणा पत्र हुआ था, उट्स घोषणा पत्र, जिसे कि भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। तो उट्स घोषणा पत्र में जो बातें की गई थी, जो घोषणा की गई थी, वो वास्तविक रूप से लागू नहीं हो पाई, यानी उसमें आशाजनक प्रगति नहीं हो पाई। तो आशाजनक जब प्रगति नहीं हो पाई उसमें, तो इसीलिए एक नया कमीशन या नया आयोग की नियुक्ति की बात चली, और इसी के लिए हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया, हंटर कमीशन का गठन किया गया। एक्चुअली उट्स जो घोषणा पत्र था उसमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं किया गया था, मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया गया, और उसकी कुछ प्रगति भी हुई, लेकिन आशातीत प्रगति नहीं हुई, जैसा सोचा गया था वैसी प्रगति नहीं हुई। और प्राथमिक शिक्षा पर तो बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ, यानी प्राथमिक शिक्षा जो कि शिक्षा व्यवस्था की नींव होती है, वो बिल्कुल ठप पड़ गई थी, इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था। 1857 के क्रांति के बाद भारत में वैसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई थी, और भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार का शासन अपने हाथ में आ चुका था, इसीलिए ये नए तरीके से भारत में हर प्रकार की व्यवस्था को, चाहे शिक्षा हो, प्रशासन हो, नए तरीके से इसे करना चाहती थी। और इसी क्रम में 1882 में जो कि लॉर्ड रिपन वायसराय बने भारत के, 1882 में लॉर्ड रिपन, जो कि भारत का उद्धारक भी इसे कहा जाता है, और जितने भी वायसराय बने उसमें से लॉर्ड रिपन का भारतीयों के प्रति सहानुभूति था, ये भारतीयों के हित में सोचते थे, इसीलिए इसे भारत का उद्धारक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, इसको सज्जन रिपन भी कहा जाता है, इन्होंने भारतीयों के बारे में सोचा। हम लोग जानते हैं इल्बर्ट बिल इन्हीं के काल में आया था, स्वशासन प्रणाली इन्हीं के काल में आया था, और लोगों के शिक्षा के बारे में भी इन्होंने सोचा, और इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन किया गया। तो लॉर्ड रिपन जब वायसराय थे तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, और इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर, इसीलिए इसके नाम पर ही इसे हंटर कमीशन कहा जाता है। हंटर कमीशन से आप कन्फ्यूज नहीं करना है साथियों, कि हंटर कमीशन एक था जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कमीशन था, तो वो उस क्राइम जो हुआ था, जो घटना घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में, उसको लेकर वो कमीशन था, और वो 1919 की घटना है, 1919, जबकि ये वाले 1882 की घटना है, जो कि शिक्षा से संबंधित था, और 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। तो हंटर कमीशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे ध्यान रखेंगे, 1919 वाला पूछा जा रहा है या 1882 वाला पूछा जा रहा है, 1882 वाला पूछा जाएगा, इसका संबंध किससे था, शिक्षा से था, और 1919 वाला अगर आपसे पूछा जाए तो उसका संबंध जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच को लेकर था। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है एग्जाम में आपको। अब इस आयोग का उद्देश्य क्या था, ये हंटर आयोग का अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो उद्देश्य थे वो इन सेक्शन में हम देख सकते हैं। पहला, भारत में प्राथमिक शिक्षा, ज़्यादा जोर किस पर था, प्राथमिक शिक्षा, सबसे ज़्यादा जोर था हंटर कमीशन का प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना, क्या सिचुएशन है, उसके विकास के लिए कार्य करना, पहला सिचुएशन देखना और उसके डेवलपमेंट यानी उसके विकास के लिए क्या करना वो देखना। दूसरा था उच्च एवं माध्यमिक, यानी जो उच्च शिक्षा थी
कॉलेज और माध्यमिक मैट्रिक स्तर की जो शिक्षा थी उसको शिक्षा के प्रोत्साहन से उनको अगर हम प्रोत्साहन देते हैं तो प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा इनकी जांच करना, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए, माध्यमिक शिक्षा पर भी फोकस था लेकिन सबसे ज़्यादा था प्राइमरी पे, तो माध्यमिक शिक्षा पर भी तो उनका प्रसार किस प्रकार किया जाए उस पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं तो उनको उनके लिए जो संसाधन चाहिए जो कि आवश्यक चीज़ें होती है वो कैसे फुलफिल करेंगे, तो सहायता के लिए जो अनुदान दिया जाएगा अनुदान की प्रणाली क्या होगी, यानी जो अनुदान दिया जाएगा स्कूल कॉलेज को उनके कार्यों को संपादित करने के लिए तो अनुदान किस तरह से दिया जाएगा, इन पर भी विचार विमर्श इसका करना मुख्य उद्देश्य था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकार की नीति क्या हो, यानी कोई अगर अच्छा व्यक्ति तो अमीर व्यक्ति भारतीय शिक्षा के लिए कार्य करना चाहता है उनके प्रति सरकार की क्या नीति हो, इन सब चीज़ों पर भी विचार विमर्श करना इस आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब देखते हैं हंटर आयोग की सिफारिश और सुझाव, इनका क्या क्या सिफारिश था और क्या क्या सुझाव था। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक शिक्षा को देखेंगे और हम लोग जानते हैं हंटर आयोग का सबसे ज़्यादा जोर किस पे था, तो प्राइमरी एजुकेशन पे। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा जोर किस शिक्षा पर था प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार करना निर्धारित किया जाए, यानी प्राथमिक शिक्षा हर लोगों को मिले इस प्रकार का कार्य किया जाए, इस शिक्षा का प्रसार विशेष रूप से पिछड़ी जातियों और आदिवासियों में की जाए, यानी शिक्षा का से जो वंचित वर्ग हैं भारत का पिछड़ी वर्ग और आदिवासी वर्ग ओबीसी और आदिवासी वर्ग उनको विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा से युक्त किया जाए, प्राथमिक शिक्षा उसे मिले इस प्रकार की व्यवस्था करना। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सिफारिश किया गया कि प्राथमिक शिक्षा का जो भार रहेगा वो लोकल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया, यानी इसका जो भार था जिला परिषदों पर दे दिया गया और अगर नगर पालिकाओं को दे दिया गया, जिला परिषद और नगर पालिका जो क्या जो आपका क्षेत्रीय संस्थाएं होती थी, पंचायत हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, उन सब पर प्राथमिक शिक्षा का दायित्व दे दिया गया। इस शिक्षा में जो उपयोगी विषय हैं, कहा कि प्राथमिक शिक्षा में उपयोगी विषय से गणित, एग्रीकल्चर, इसका उपयोग गणित का अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइमरी एजुकेशन में तो गणित के ज्ञान से लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, अगर वो कुछ विशेष उपलब्धि नहीं कर हासिल कर पाते हैं तो उसको कृषि का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अच्छा कृषक बन सके, अच्छा किसान बन सके। तो कृषि गणित जैसे क्षेत्रों को प्राइमरी सेक्टर में ही जोड़ दिया गया ताकि बचपन से ही लोग सीख सके, बचपन से ही बच्चे सीख सके और बड़े होकर वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस शिक्षा के स्तर को यानी प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लिए निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना की जाए, यानी निरीक्षण की भी उचित व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा को देश की शिक्षा प्रणाली का अंग घोषित किया गया, यानी प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा जो पहले की ढील मूल रवैया अपनाया जा रहा था, बोला नहीं ये देश का जो शिक्षा प्रणाली है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग इसको घोषित किया गया, यानी शिक्षा प्रणाली का इसको रीढ़ माना गया प्राइमरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अब देखते हैं माध्यमिक एजुकेशन यानी मैट्रिक स्तर तक की जो शिक्षा थी उसके लिए क्या 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 कहा इसने, उसके लिए क्या सिफारिश की गई। इसके लिए कहा गया सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए, यानी माध्यमिक शिक्षा की उन्नति के लिए अनुदान देने की व्यवस्था हो स्कूल कॉलेजेज में ताकि एजुकेशन सभी को मिल सके और सरकार के द्वारा अनुदान ग्रांट दिया जाए, और इसके साथ हर जिले में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक विद्यालय यानी प्रत्येक जिला में एक माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया जाए और इसका संचालन का भार जैसा पहले का वहाँ के निवासियों को यानी वहाँ के जो लोकल गवर्निंग बॉडी है पंचायत हो या नगर परिषद हो नगर पालिका हो उनके अधीन कर दिया गया और प्रत्येक जिला में एक माध्यमिक स्कूल खोलने की सिफारिश की गई। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों को भी दो भागों में बांटा गया, ए और बी। ए में होता था क्या साहित्यिक पढ़ाई होती थी और दूसरे में होता था वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा।
उसको माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांट गया, ए और बी। ए में हमारा हो गया जनरल जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है साहित्यिक शिक्षा, और बी में हमारा क्या होगा कुछ वोकेशनल कोर्सेज बच्चे को कराया जाए ताकि वह जीवन में आत्मनिर्भर हो सके। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की गई ताकि जो टीचर्स वहाँ पढ़ाएंगे उसे वेल ट्रेनिंग दी जा सके और वो अच्छे से पढ़ा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इसके साथ ही शिक्षा का माध्यम को बताया गया मातृभाषा, यानी जो लोग बच्चों की मातृभाषा है उसी में उसको शिक्षा दी जाए, लेकिन अंग्रेजी का भी उसके अंदर ज्ञान विकसित हो इस प्रकार का भी व्यवस्था किया जाए। ये नहीं सिर्फ मातृभाषा नहीं, इसके साथ साथ से अंग्रेजी का भी ज्ञान दिया जाए, मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान। अब देखते हैं उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिश की गई। उच्च शिक्षा यानी कॉलेज की शिक्षा, यहाँ पे कहा गया कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए, यानी जो विदेशी यूरोपीय यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, चाहे वो हार्वर्ड से पढ़े हो, कैम्ब्रिज से पढ़े हो, तो उन लोगों को विशेष रूप से प्राथमिकता दिया जाए कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। ये यहाँ पे याद रखेंगे, अगर कोई भारतीय यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और कोई लंदन या किसी भी यूरोपीय देश के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, अगर वो भी दोनों मिलते हैं तो प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से पढ़े हैं। इसके साथ ही कॉलेज के शिक्षकों की संख्या व्यय, फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सहायता अनुदान दिया जाए, यानी ग्रांट दिया जाए, ग्रांट उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की रुचि के अनुसार उसे विस्तृत करके उसी के अनुसार से अपना विषय चूज करने का अवसर दिया जाए। छात्रों को अपना जो उसका इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, उस प्रकार के यानी जो ऐच्छिक विषय का कॉन्सेप्ट है कि हम किस विषय को रखेंगे, उस प्रकार का जिसे हम लोग इंटर में जाते हैं साइंस लें, आर्ट्स लें, जब ग्रेजुएशन जाते हैं किसी को हिस्ट्री लेना है, किसी को साइंस लेना है, तो जो भी सब्जेक्ट लेना अभी हमको अवसर मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि सबको एक ही पढ़ना है, तो सबको अलग अलग अवसर दिया जाए, जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसकी पढ़ाई कर सके, ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा सुझाव इस आयोग ने दिया, हंटर आयोग ने ऐसा सुझाव दिया, कहाँ कॉलेज शिक्षा में लोगों को ऑप्शनल का अवसर दिया जाए, ऐच्छिक विषय का अवसर दिया जाए। अब सहायता अनुदान प्रणाली के जो ग्रांट दिया जाएगा उनके लिए क्या कहा गया कि प्राथमिक स्कूलों के लिए परीक्षा फल यानी रिजल्ट, पेमेंट बाय रिजल्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाए, यानी प्राथमिक स्कूलों को जो दिया जाएगा ग्रांट या जो अनुदान दिया जाएगा वैसे नहीं दिया जाएगा, जिस स्कूल का रिजल्ट अच्छा होगा उसको उसी के अनुसार ग्रांट दिया जाएगा, जिसका रिजल्ट खराब होगा उसको कम ग्रांट दिया जाएगा, कम अनुदान दिया जाएगा, और जिसका अच्छा होगा उसको अच्छा अनुदान दिया जाएगा, ज़्यादा दिया जाएगा। सहायता अनुदान जो देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, अगर कोई विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है तो वहाँ पे ये वाला मैटर लागू नहीं होगा रिजल्ट वाला, उनके परिस्थिति को भी देखकर उस प्रकार का ग्रांट उसे अप्रूव कराया जाएगा। विद्यालयों के पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान दिया जाए, ये तो रिजल्ट से मतलब नहीं है, शिक्षण सामग्री का, फर्नीचर का, ये तो एकदम नेसेसरी नीड होता है, तो इन सबको रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं करना, ये तो हर विद्यालय को मिलना ही चाहिए, यानी इसके लिए विशेष ग्रांट फैसिलिटी होना चाहिए कि यहाँ पर रिजल्ट का कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसे सहायता अनुदान दिया जाएगा पुस्तकालय के लिए, शिक्षण सामग्री चौक डस्टर या तो ब्लैक बोर्ड इन सब चीज़ों के लिए, फर्नीचर बच्चों के बैठने के लिए, उसके लिए स्पेशल ग्रांट देना चाहोगे, विशेष सहायता अनुदान दिया जाए। अब धार्मिक के लिए शिक्षा के बारे में क्या कहा गया, बोला जो भी सरकारी स्कूल है यानी जो जहाँ पे सरकारी अनुदान से जो विद्यालय चलते हैं वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए, जो कि आज हमारे देश में भी है, यानी जो सरकारी विद्यालय वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन जो गैर सरकारी स्कूल है वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, यानी निजी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु सरकार द्वारा उसकी ओर कोई ध्यान न दिया जाए,
यानी सरकार को धार्मिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देना है। अगर कोई निजी स्कूल है, निजी विद्यालय है, तो वहाँ दिया जा सकता है। अब मुसलमानों के बारे में क्या कहा गया, मुसलमानों की शिक्षा के बारे में, तो इसके पहले हम लोग जान लें कि मुसलमान थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, वो अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने धर्म संस्कृति से जुड़े रहते हैं। और उसकी इसी भावना को देखते हुए कहा गया कि मुसलमानों को प्राचीन ढंग से जो शिक्षा दी जा रही है, जो मुस्लिम स्कूल है यानी जो मुस्कूल मुस्लिमों के लिए मदरसे हैं, मकतब हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और उसे प्राचीन ढंग से ही शिक्षा दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, वो अपने उसी विद्यालय, उसी मदरसे में, उसी मकतब में वो पढ़ाई करे, उनकी जो परंपरागत पढ़ाई है उस पर छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया गया, उसी तरीके से उसको पढ़ना है। साथ ही जिन प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों की संख्या अधिक है उसमें फारसी की शिक्षा दी जाए, यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो विद्यालय या संस्थान स्थापित किए गए हैं वहाँ पे तो सभी वर्गों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे वैसे प्राथमिक स्कूल जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे जनरल जो पढ़ाई होती है मातृभाषा में और अंग्रेजी में, उसके अलावे वहाँ पे शिक्षा क्या होगा, फारसी में दी जाएगी। मुसलमानों की जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी है, जिन स्कूलों में मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप की भी सिफारिश की गई। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भी उचित अनुपात में मुसलमानों को रखा जाए, इस प्रकार की सिफारिश की गई। स्त्रियों के शिक्षा के लिए भी कहा गया बालिकाओं को विद्यालय अधिक सहायता अनुदान दिया जाए, यानी बालिका का जो विद्यालय है वहाँ पे अधिक सहायता अनुदान दिया जाए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, इनके शिक्षा पर विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता है, इसीलिए वहाँ जो ग्रांट दिया जाए वो ज़्यादा दिया जाए। बालिकाओं में, लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा का भी सिफारिश किया गया, लड़कियों को छात्रवृत्ति मिले, स्कॉलरशिप मिले, उसकी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए, यानी मुसलमान को जो बुरखा लगाती है मुसलमान लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ, उसे पर्दे यानी बुरखा में रहने लड़कियों के लिए अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए, यानी वहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो कि जिससे उसकी परंपरा को ठेस पहुँचे और उनकी सभ्यता को चोट पहुँचे, उनकी संस्कृति को चोट पहुँचे। कोई जेंट्स टीचर वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे लेडीज टीचर ही होंगी उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और उसके साथ ही साथ कहा गया कि अगर उनको कॉलेजेज आने में, स्कूल आने में भी दिक्कत है, तो उनके घरों में जाकर शिक्षा देने का भी प्रबंध किया जाएगा मुस्लिम लड़कियों के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं मुस्लिम समाज कंजर्वेटिव होता है, वो अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं, उन्हें बड़े बड़े जगहों पे जाने से मना करते हैं, या जहाँ ज़्यादा गैदरिंग है, बच्चियाँ हो या औरतें हो, नहीं जाती हैं मुस्लिम औरतें, इसीलिए कहा गया कि उनके लिए घर में भी जाकर पढ़ाई कराने की व्यवस्था होनी चाहिए और लेडीज टीचर अध्यापिकाएँ नियुक्त होगी। बालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए, यानी जो बालिका विद्यालय है, लड़कियों का विद्यालय, वहाँ निरीक्षक जो होंगे, निरीक्षक भी लड़कियाँ होंगी, वहाँ निरीक्षक भी स्त्री होगी, वही जाके वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी सिफारिशें थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिफारिशें अलग चीज़ होती है, उसे ज़मीन पर लागू करना अलग बात है। तो हालांकि आगे हम लोग फिर से किसी आयोग को भी पढ़ेंगे, इसके बाद शिक्षा से संबंधित आयोग को हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे क्या हंटर आयोग की जो सिफारिशें थी वो ज़मीन पर लागू हो पाई या नहीं। तो अभी आप देख रहे थे UGC नेट पेपर 1 यूनिट 10 का एक सब टॉपिक हंटर कमीशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1 एंड वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी प्रकार के वीडियोस को आप अगर एवरीडे प्राप्त करना चाहते हैं, एवरीडे 5 PM को हमारे चैनल पर पेपर 1 UGC नेट JRF की पेपर 1 की वीडियो अपलोड कर दी जाती है, और इस बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप प्रत्येक दिन क्लासेस का फ़ायदा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच।